भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने की खबरें देखने को मिल रही हैं और बड़ी संख्या में जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान भी देखने को मिल रहा है। बात करें हिमाचल की तो पहले हिमाचल के किन्नौर में लैंडस्लाइड होने के कारण काफ़ी तबाही का मंजर देखा गया और करीब 9 से ज़्यादा लोगों की इस कुदरती आपदा में मौत हो गई। उसके बाद हिमाचल के लाहौल में लगातार भारी बारिश के कारण बादल फटने से आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत होने की खबर बताई जा रही है, जबकि इस आपदा में 10 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के कारण 7 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है, जिनके शव मलबे से बाहर निकाले गए हैं, जबकि 17 लोगों को जख्मी हालत से बाहर निकाल लिया गया है और अभी तक कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। यह कुदरती हादसा किश्तवाड़ के गाँव हंजर में हुआ है और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मौसम में खराबी और लगातार भारी बारिश होने के कारण रेस्क्यू टीमों द्वारा बचाव कार्य करने में जरूर दिक्कत देखने को मिल रही है, पर फिर भी वह लोगों की जिंदगी बचाने में पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कुदरती आपदा को देखते हुए जहां एक तरफ हिमाचल में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, तो वहीं कई हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह के अलावा तमाम नेताओं द्वारा ट्वीट के जरिए लोगों को अपना बचाव रखने की अपील की जा रही है और बाढ़ से प्रभावित इलाकों की पूरी सहायता करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। किलोंग में बादल फटा भाई, बर्फ भाई बारिश आप तो भाई आप नहीं जान भाई आ जाओ भाई। ये लाइव नजारा है इस टाइम धर्मशाला का। इस टाइम मान जी इतनी उफान पे चली हुई है, बादल फटा ऊपर बादल फटा, ये ब्यूरो रिपोर्ट रियल फ्लेवर्स न्यूज़।